हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैक्रोनी। पास्ता और मैक्रोनी खाना सबको बहुत ही अच्छा लगता है, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसे बनाना बहुत इजी है और टेस्ट भी लाजवाब है। तो आप इस वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी गरम किया है। इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और तेल। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी मैक्रोनी। आप इसकी जगह पास्ता भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। बस शेप का फर्क होता है, बाकी टेस्ट सबका सेम होता है। इसे हम अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है। अब गैस के फ्लेम को करेंगे बंद और इसे अच्छे से छान लेंगे। इसको ठंडे पानी से भी छान लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इसको रख देंगे साइड पे, और अब चलते हैं मैक्रोनी बनाने के प्रोसेस में। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ वेजीज ली हैं। मैंने यहाँ लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे बटर और एक बड़ा चम्मच घी। उसको अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छे से पका लें। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां। मैंने यहाँ डाला है टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, उस पर डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लें। इन सबको 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न और अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच शेजवान चटनी। आप चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं। एक बड़ा चम्मच सोया सॉस। अब डालेंगे एक छोटी चम्मच ओरिगैनो, एक छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और डालेंगे 2 बड़े चम्मच केचप। इन सब को अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैक्रोनी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट तक कवर करके पका लें। ये देखिए, हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अगर आपको चीज पसंद है तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं। चलिए इसको करते हैं सर्व, और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है, और टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। आप भी इसे इस तरह से जरूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है, एकदम खिला खिला बना है। आप इसे लंच बॉक्स में दें, सुबह नाश्ते में बनाएं, या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय करें।